पढ़ाई की, 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस, ट्रस्ट योरसेल्फ। ये जो परीक्षा है ये ना ही आपकी सिर्फ एक नॉलेज बेस बढ़ाएगी, ये आपको पूरी तरह एक नया इंसान भी बना देगी। क्योंकि ये जो मेहनत के 2 साल आप देंगे यूपीएससी की परीक्षा के लिए, ये आपको सिखा देगी कैसे कम सोना है, कैसे 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 हर चीज सैक्रिफाइस करनी है। फर्स्ट इज यू बिलीव इन योर ड्रीम्स। इवन इफ समवन टेल्स यू दैट यू आर नॉट मेंट फॉर दिस फील्ड और यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट मेंट टू बी हियर, यू डू नॉट लिसन टू देम। यू वर्क हार्ड, यू बिलीव इन योर ड्रीम्स इवन इफ समवन एल्स। जिंदगी में कभी भी पैसों के लिए आईएएस बनने का सपना मत देखना। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, जिसको पढ़ना तो हर कोई चाहता है लेकिन इसे क्रैक करना सबसे मुश्किल है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट में से गिने चुने लोग होते हैं जो इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। कहते हैं सफलता त्याग मांगती है, लेकिन ये बात सच है, यूपीएससी बलिदान मांगती है। डिसिप्लिन, आत्मसमर्पण और पागलपन किसी भी सपने को पाने के लिए जरूरी है। इसके बिना जिंदगी में कभी किसी को कामयाबी नहीं मिलती। मंजिल चाहे कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक मंजिल का रास्ता इन्हीं सबसे गुजर के जाता है। देखो, जिंदगी में हर बड़ी चीज को बनने में टाइम लगता है। कोई भी सपना, कोई भी मंजिल एक दिन में नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हजारों लाखों सपने और मंजिल हैं यहाँ पे। अगर सपना आईएएस और यूपीएससी का है फिर बड़ी अच्छी बात है। हम अपने रास्ते का चुनाव स्वयं करते हैं। मैंने शुरुआत में एक लाइन यूज करी थी कि कभी भी पैसों के लिए आईएएस बनने का सपना मत देखना। देखो, अगर मैं किसी चोर से पूछूं कि तुम चोर क्यों बनना चाहते हो तो शायद जवाब दे पैसे के लिए। अगर मैं किसी मूर्तिकार से पूछूं कि तुम मूर्ति बनाने का काम क्यों करते हो, ऑब्वियस सी बात है वो भी शायद बोले पैसे के लिए। लेकिन उन दोनों में एक फर्क ये है कि एक का पैशन है लेकिन एक की शायद मजबूरी भी हो सकती है। देखो, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिंदगी में अगर हम सफलता और अपने सपनों का चुनाव अपनी मंजिल के बदले अपनी खुशियों के लिए करते हैं तो हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। हम उस रास्ते में चलने वाले हर एक मुश्किलों और दिक्कतों का खुद ब खुद अनुमान लगा लेते हैं। जीवन में यही जरूरी है। आवेश में आके बिना किसी सोच बूझ के किसी रास्ते का चुनाव कर लेना अक्सर इंसान को मुसीबत में डाल देता है। कुछ बनने के लिए उसके जैसा होना जरूरी है। किसी चीज को पाने के लिए उस चीज के योग्य होना जरूरी है। अगर आप उस चीज के योग्य नहीं तो अक्सर वो चीज मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। एक मूर्तिकार, एक डिजाइनर, एक आर्किटेक्चर हर काम को करने से पहले उसका एक मैप अपने दिमाग में तैयार करता है, जिसे इमेजिनेशन कहते हैं, कि वो चीज ऐसी होगी, वैसे दिखेगी, हमें सारी चीजें मिलेंगी और अंत में वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यही इमेजिनेशन की पावर हमें काम करने के लिए एनर्जी देती है। खुद से सवाल करो कि तुम्हें वो मंजिल क्यों चाहिए, तुम्हें आईएएस क्यों बनना है, तुम्हें यूपीएससी क्यों क्रैक करनी है, आखिर ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है, आखिर तुम्हें इससे क्या लेना देना कि तुम इसके पीछे इतने पागल हो चुके हो। वो कौन सी चीज है जो आगे बढ़ने के लिए हर दिन पुश कर रही है। आखिर ये मंजिल इतनी जरूरी क्यों है। जब कभी जिंदगी में बहुत थक जाना तब ये सवाल हर रोज अपने आप से पूछना, और यही सवाल आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। तू ज्यादा सोच मत, तू बस मेहनत करता जा। अगर तू दौड़ नहीं सकता तो धीरे धीरे ही सही, तू बस चलता जा। याद रखना, अगर सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। इन हालातों से, इन मजबूरियों से हर हाल में तुम्हें लड़ना पड़ेगा। देखो, अगर जिंदगी में आगे निकल चुके हो तो फिर पीछे मुड़ के देखना बेकार है। तुम मेहनत करने से डरते क्यों हो, संघर्ष करने से हर बार तुम बचते क्यों हो। अगर चल पड़े हो तो फिर चलते रहो, 2 कदम आगे पांव बढ़ा के फिर पीछे की तरफ देखते क्यों हो। अगर मंजिल पाना जरूरी है तो फिर चलते रहो, जान लगा दो या जाने दो, बीच रास्ते में जाके खुद को कमजोर समझते क्यों हो। देखो, जिंदगी में कभी भी जरूरी चीजें रोने से खत्म नहीं होती, उन्हें हर हाल में उनसे लड़के उन्हें पूरा करना होता है। जीतूंगा मैं, खुद से एक वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश हमेशा उससे ज्यादा करो, कि तकदीर भी ना रूठे और हिम्मत भी ना टूटे। मजबूत अपना इतना इरादा करो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर सपना आईएएस बनने का है तो यूपीएससी का एग्जाम कोई पास करने की चीज नहीं, जीतने की चीज है। इसलिए पढ़ने बैठो तो ऐसे जैसे कि तुम अपने रूम में नहीं एग्जाम हॉल में बैठे हो। तुम्हारे सामने बुक्स नहीं, तुम्हारे पास एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है और तुम्हारे पास लिमिटेड 2-2.5 घंटे हैं। क्योंकि यूपीएससी क्रैक करने की नहीं, जीतने की चीज